गुड मॉर्निंग बाबा लोग, नए दिन नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर, और आज जो है हमारी गेहूं शायद काट के जो खत्म होने वाली है, एक खेत बचा हुआ। अभी मैं उसी खेत में जा रहा हूं। अंजन वगैरह चले गए काफी देर पहले, मैं थोड़ा लेट उठा था, कॉज वीडियो एडिट करना होता तो लेट हो जाता हूं रात को सोने में। चलो जल्दी जल्दी चलते एंड कर देते हैं आज खत्म काम सारे। और यहाँ पे अंजन की हो चुकी है बस, देख सकते हो आप किस तरीके से लेटा हुआ है। क्या हुआ अंजन, थक गया? चल फिर चलते हैं जल्दी जल्दी, एक ही तो खेत बचा हुआ, यही खेत बचा हुआ है। वो काफी लंबा खेत है, दिखाता हूँ आपको, पेड़ जो लगा हुआ वहाँ तक है, थोड़ा सा उससे आगे भी है, बट आज जो है वो खत्म कर दिया जाएगा सारा का सारा काम। फिर जो है इसको बांध के दोबारा से थ्रेशिंग करवाएंगे, जैसे पहले करवाई उसी जगह पे करवाएंगे। और भाई लोग, यहाँ पे हमारी शुरू हो गई है टी ब्रेक, थोड़ी सी की थी, ताई जो है चाय देके चले गए, 5-10 मिनट करेंगे रेस्ट एंड दोबारा से खेत को हो जाएंगे शुरू। तो भाई लोग, अभी दोपहर के बज रहे हैं 10 है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि थोड़ा खेत कर लिया कंप्लीट, पीछे बड़े पापा एंड चाचू जो है वो भी लगे हुए, बड़े पापा पीछे आपको दिख नहीं रहेंगे इस साइड है, और वो लास्ट तक करनी है, बट अभी शाम को लगेंगे, शाम के टाइम जो है शायद हमारी कटिंग सारी की सारी खत्म हो जाए। देखो इसको है, बुरे हाल तेरे, बहुत बुरे हाल है। पसीना देखो बाबा लोग, मेहनत इसको बोलते हैं, मेहनत असली, बट क्या कर सकते हैं। अब जाएंगे घर को, घर में देखते हैं थोड़ी देर रेस्ट करके, नहा के खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अभी, माला रेस्ट कर खाने, रेस्ट करते हैं यार घर में जाके करेंगे सीधे। इसको तो चक्कर भी आना शुरू हो गया, तभी तो ये लेटा हुआ है। अगली बार नहीं आने देता, अगली बार मना कर रहा है, बोले अगली बार कुछ ना कुछ काम बताएंगे घर वालों को और निकल जाएंगे। गलत बात है ये, काम कर करके इतनी बुरी हालत होगी ना, चला भी नहीं जा रहा यार। पहुंच गया मैं घर, ये पीछे 5-10 मिनट रेस्ट करके खाना खाऊंगा यार, पहले नहाऊंगा उसके बाद खाना। मम्मी 10 बज गए, हाँ थक गए थे हैं, बाकी भी आ रहे हैं, हाँ रेस्ट करूंगा। खाना क्या बनाया हुआ आज? दाल चावल आलू चपाती। चलो आलू खा लूंगा मैं, दाल नहीं खाऊंगा। 20 मिनट्स लेटर, तो बाबा लोग यहाँ पे मेरा खाना लग चुका है। बताया था मम्मी ने कि आज खाने में जो जो बना है, बस एक स्पेशल हमारे यहाँ पे ये खट्टा बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। कभी इस चीज़ की रेसिपी भी बताऊँगा मैं आपको, मोस्टली तो जो मेरे को देखते होंगे उनको पता ही होगा खट्टा क्या होता है। हमारे हिमाचली जो धाम होती है उसमें जो है बनता है ये। शाम के बज रहे हैं 4, जस्ट अभी उठा भाई लोग, एंड अभी जाना पड़ेगा खेत को। सुबह खाना खाने के बाद जो है मैं सो गया था, आज थोड़ा देर तक लगे, अभी जस्ट उठाओ, मम्मी उठा के गए मेरे को कि उठ जा। घर में दिया जी जो है बड़े पापा कर रहे हैं वहाँ पे बात, थोड़ी देर मैं भी उनसे बात वगैरह करूंगा एंड खेत को चला जाऊंगा। और बाबा लोग अभी शाम के बज रहे हैं 5, एंड बड़े पापा चाचा कर रहे हैं रेस्ट, थोड़ी सी रही है, लगभग सारी खत्म हो जाएगी। मेरे चेहरे की खुशी इस बात का आंसर दे रही है कि मैं कटिंग खत्म होने पे कितना ज्यादा खुश हूँ यार। कल जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, अगर उठ भी गए तो 1-2 दिन और काम होगा और उसके बाद टोटली फ्री। अंजन तो बड़े बुरे तरीके से लगा हुआ, इसको मेरे से भी ज्यादा खुशी हो रही होगी, कटिंग जो है वो खत्म हो रही है। कर लेते जल्दी जल्दी, फिर इसको खत्म करके मिलूंगा आपसे 6:30 बजे तक। भाई लोग, ये रही मेरी प्यारी बहना जो आज ही घर आई है मौसी जी के घर से, बताया था मैंने कल इसको, मैं बहुत मिस कर रहा था। कैसी है नीतू, हमें लिए पानी लेके आई है, ये अभी ठीक ठाक है? अंजन के लिए लेके आई, और सुना कैसी है तू? चल शाम के टाइम तेरे से बात करूंगा घर आके, ठीक है? मेरे को याद किया नहीं किया, चल कोई बात नहीं, निकलो। एंड और बड़े पापा को देखो पीछे टोंट मार रहे हैं मेरे को, बाबा लोग कहाँ हैं, एंड चाचू भी अपने पूरे जोरों शोरों से लगी हुए है। बस भाई ये जो थोड़ी सी देख रहे हो आप, यही बची हुई है, बाकी सारी की सारी वो देखो वहां से लगे थे, वहां से और यहाँ तक पहुंच गए, खत्म होने वाले लगभग 1 घंटे में, एंड टाइम अभी हो रहा है 6-7 बजे तक हम सारी की सारी कम्प्लीट कर देंगे यार। नहीं तो कर तो क्या
पीना डैडी पानी लो लो ले लो। हेलो पीलो चाचू पानी पीलो आ जाओ। आ रही थी ना चाचा इसकी याद। हाँ मेरे को खुद आ रही थी। चाचा इतने पंप भी मत दो उसको नींद नहीं आएगी रातों को। पानी वगैरह तो पी लिया अभी जैसे थोड़ा सा बचा हुआ इसको करते हैं जल्दी जल्दी खत्म एंड चलते हैं घर को। और भाई लोग आपको पता है कि थोड़ी देर पहले जो है बड़े पापा ने नीतू से मंगवाई थी चाय एंड नीतू जो है लेके आ गई इनके लिए चाय एंड ये भी थोड़ी सी बची थी। नीतू अब क्यों आई है खत्म होने वाली हम घर आके पी लेते चाय। डाल दे जल्दी डाल दे। तो भाई लोग सारी की सारी आप देख सकते हो पीछे गेहूं जो है काट के हो गई है खत्म एंड अभी मैं जाऊंगा घर एंड आज जल्दी फ्री हो गए यार। थोड़ा सा काम है कल को इकट्ठा करके सेम जो है थ्रेशिंग के लिए कल रेडी कर लेंगे एंड कल के कल हो जाएंगे सारे के सारे फ्री। तो भाई लोग अभी शाम के बज रहे हैं 7 एंड जस्ट अभी मैं घर में पहुंचा हूं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। और ये पीछे मेरी बहन आ गई है बड़े मिस किया इसको मैंने। थोड़ा थोड़ा किया चल मैंने तेरे को बहुत किया मैंने तेरे से ज्यादा किया तेरे को मिस। मैंने क्या धोखा दिया तेरे को कल। ओ यार लेट हो गए तेरे को पता है ये तो 7-8 बजे कॉल करके बोल रही थी फिर मैंने सोचा कि वहीं पे कॉल तू नहीं किया तूने बोला घर आ तेरे को बड़ी याद आ रही है। हां गुड आ रही थी सच में आ रही थी तेरे को मिस कर रहा था मैं। ये मेरे लिए है। हां तेरे लिए है खाली। तो बहुत लोग जस्ट नहा के अभी मैं रूम में पहुंचा एंड बहुत से लोगों के कमेंट थे अब अपने पापा से नहीं मिलवाते हमें तो आज मैं आपको अपने पापा से मिलवा दूंगा एंड बता दूंगा कि वो वीडियो में क्यों नहीं आते हैं। भाई लोग ये है मेरे पापा डैडी हेलो कर दो। हेलो वीडियो में पापा को इसलिए नहीं लाता था तो थोड़ी इनकी तबीयत भी खराब है इसलिए मैं नहीं लेके आ रहा था वीडियो में। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि पापा से मिलना है तो आज मैंने आपको मिलवा दी है। ये है पापा मेरे। तो भाई लोग पापा को मैं वीडियो में इसलिए नहीं दिखाता था बिकॉज मेरे को खुद को ही अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनके रूम में जाके थोड़ा वो रेस्ट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और उनको जो है पेट में प्रॉब्लम है तो पिछले 1 साल से वो खा रहे हैं दवाई। मेरे को खुद को अकड़ सा फील लगता है कि मैं से कैमरा उठा के चला जाऊं पापा के पास लेके बिकॉज वो मोस्टली जो है वो पेन में रहते हैं एंड दवाई खा रहे हैं रेगुलर। ये रीजन था कि मैं पापा को नहीं लेके आ रहा था बट मोस्टली बंदे सोच रहे होंगे वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं लेके आ रहा है पापा को। ये रीजन था पापा लोग कि वो बीमार है इसीलिए मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने पापा से ऐसे कैमरा लेके चला जाऊं एंड जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब पापा कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम में थे एंड अभी जो है वो काफी रिकवर कर चुके हैं एंड धीरे धीरे। और आप भी प्रे करना कि जल्दी जल्दी जो उनके पेट में प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए। तो वो लोग अभी मेरे को भूख भी काफी लग रही है एंड मम्मा को मैंने खुद ही अपनी चॉइस बता दी थी कि मम्मी आज मुझे दाल वगैरह कुछ नहीं खानी है सब्जी की गाड़ी जो हमारे यहाँ पे आ नहीं रही मैं जो पूरा दिन खेतों में बिजी रहता हूँ तो मार्केट भी नहीं जा पा रहा सब्जी नहीं लाया कुछ भी। तो मेरा ये मन था आज कि मैं जो है वो खाऊं फ्राइड राइस नॉर्मल से तड़का लगा के। तो मम्मी को मैंने बोल दिया हुआ मैं जाऊंगा अभी किचन में एंड खाऊंगा जाके खाना। मैं तो सिर्फ फ्राइड राइस और दही खाऊंगा बिकॉज मेरा बहुत मन था कि फ्राइड राइस खाऊं आज। थैंक यू सो मच। और आप देख रहे होंगे कि आज मैं खा रहा हूं प्याज तो आज जो रिचुअल चलता है हमारे यहाँ पे 12-13 दिन तक प्याज नहीं खाना वो हो गया कंप्लीट। आज हम जो है खा सकते हैं पिछले कुछ दिनों से बिना प्याज और बिना लहसुन के दाल जो थी वो बनाई जा रही थी बट अभी जो है प्याज एंड लहसुन के साथ बनाएंगे अभी से हम जो है खा सकते हैं सभी चीजों। तो बाबा लोग खाना वाना खा के मैं हो गया हूँ फ्री एंड जस्ट अभी थोड़ी देर मम्मी और नीतू के पास बैठ के करूंगा बातें बिकॉज गेहूं का काम आपको पता है रेगुलर चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से मैं जाता हूँ थक इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाता। आज मेरा मन कर रहा है कि इनके पास थोड़ा बैठूं। चल कोई नहीं तेरे को अच्छा सा गिफ्ट मिल जाएगा टेंशन नहीं लेनी दे दूंगा कुछ ना कुछ नहीं ना। ये नहीं कि तू ऐसे मम्मी की तरह पेन उठा के लगता है ये ले हैप्पी बर्थडे मेरे को नहीं चाहिए ऐसा होगा। मैं तेरे को अच्छा सा गिफ्ट दूंगा बहुत तो स्टडी कर रही है ना तेरे को स्टडी से रिलेटेड मेरे को कुछ नहीं चाहिए स्टडी से रिलेटेड मिलेगा तेरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट में सच में पक्का प्रॉमिस। छोटा सा पेन नहीं बड़ी सी कॉपी देना इसे को बड़ी सी कॉपी दूंगा तेरे को ठीक है। एक बार मम्मी ने किया मेरा मिलता मम्मी हमने किया इसके साथ ऐसा इसके बर्थडे को कॉपी दे दिया हमने गिफ्ट गिफ्ट चाहे वो पेन हो चाहे कॉपी क्यों मम्मी। अरे मेरी बात सुन लो पिछले बार मैंने थोड़ी ऐसी ली थी ड्रेस इस बार मेरे को अच्छी वाली चाहिए मतलब बता रही है ये अच्छी वाली ड्रेस दोगे इसको लेके ले। तो वालों भी रात के बज रहे 10 खाना खा के जस्ट अभी रूम में पहुंचा हूँ वीडियो एडिटिंग करूंगा और सो जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे पापा लोग की डिमांड थी कि पापा से मिलवा दो पापा से मिलवा दिया। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल जय शंकर।